अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी A04 कोर के बारे में। अभी स्मार्टफोन की प्राइस रेंज पाकिस्तान की मार्केट में, इंडिया की मार्केट में क्या होने वाली है और क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाली हैं। लेकिन स्पेसिफिकेशन बताने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि यार ये अपनी प्राइस रेंज के अंदर सेटिस्फाई करता है, बहुत ही तबाही स्पेसिफिकेशन दे रहा है आपको। और वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, इस वीडियो में आपके स्मार्टफोन के बारे में आपके तमाम डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन तो बिल्कुल प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर लेटेस्ट आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो 6.5 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा और साथ में अगर मैं बात करूं डिस्प्ले टाइप की तो इसमें आपको TFT का डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन ये इतना पावर वाला नहीं है, लेकिन आपको प्राइस के हिसाब से देखें तो ये आपको डिस्प्ले काफी अच्छा नॉर्मली देखने को मिल रहा है। अब यहां पर दोस्तों हम बात करते हैं इसकी रेजोल्यूशन साइज की। तो इसमें आपको 720x1540 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन साइज देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस वाइज की। तो इसमें आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है और साथ ही चिपसेट आपको मीडियाटेक हेलो P60 का देखने को मिलता है। ऑक्टाकोर का CPU देखने को मिलता है और साथ ही अगर मैं बात करूं ग्राफिक्स की यानी GPU की तो इसमें आपको Mali 57 का देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसके अगर गेमिंग परफॉर्मेंस के देखें तो ये स्मार्टफोन में आप इतनी हाई लेवल की गेम्स नहीं खेल सकते हैं, जैसा कि PUBG हो गया वगैरह, और भी ऐसी गेम्स हैं हाई लेवल वाली, मतलब आप एक नॉर्मली गेम्स को आप इजीली इसमें खेल पाएंगे। और अगर दोस्तों मैं बात करूं इसके कैमरे वाइज की तो बैक पर आपको एक ही कैमरा देखने को मिलेगा जो 8MP का देखने को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों अगर मैं फ्रंट सेल्फी शूटर की बात करूँ तो यही कैमरा आपको 5MP में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं इसकी रैम और मेमोरी की। तो आपको 2GB रैम देखने को मिलेगी और 32GB मेमोरी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इसमें रैम और मेमोरी आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है, लेकिन आपको प्राइस के हिसाब से तो बिल्कुल बेस्ट ही देखने को मिल रही है। अगर प्राइस के अंदर देखें तो प्राइस रेंज के अंदर ये आपको सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये स्मार्टफोन आपको 20,000 में पाकिस्तान की मार्केट में देखने को मिलेगा और इंडिया की मार्केट में देखें तो यही स्मार्टफोन आपको 9,000 रुपए में देखने को मिलेगा। अब इसकी लॉन्च डेट क्या है, इस स्मार्टफोन को 31 अगस्त को पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और इंडिया में भी आपको 31 अगस्त को ही यह स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। लेकिन यह एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि इस स्मार्टफोन को पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन को, अब देखिए यहां पर 31 अगस्त जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है, लेकिन इंडिया में भी आपको यही देखने को मिल रही है। अब तकरीबन इंडिया में जैसे ही लॉन्च होगा तो उसके एक मंथ के बाद पाकिस्तान में भी ये लॉन्च हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों मैं बात करता हूं इसके बैटरी की। तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी पावर देखने को मिलेगी। अब यहां पर दोस्तों हमारे पास इस स्मार्टफोन के बारे में बहुत से ऐसे सवालात होंगे कि यार इस स्मार्टफोन को मतलब सैमसंग अब लॉन्च कर रहा है और थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस जो इसमें आपको देखने को मिल रही है, एक तो आपको रैम इसमें थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है या मतलब मेमोरी कह लें आप, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको कम देखने को मिल रही है। लेकिन खैर बात करेंगे अब इसके प्राइस के हिसाब से तो ये स्मार्टफोन आपको अच्छी ही वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसमें आपको प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही है। 20,000 है और 20,000 से नीचे ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा पाकिस्तान में, इंडिया में आपको 9,000 देखने को मिल रही है। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट मैंने आपको बताई है और मैंने आपको ये भी बताया कि ये स्मार्टफोन अपनी प्राइस रेंज के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। और ये स्मार्टफोन और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह।